पैसा है वो पैसा केंद्र जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि कई बार उनको बोला गया, चिट्ठी लिखा गया गिरिराज सिंह से, कई बार हमारी मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, यहाँ तक के पिछली साल वो प्रधानमंत्री से मिलने भी गई, इसके बारे में उन्होंने कई बार इस बारे में रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो सुनते नहीं हैं और सुन नहीं रहे। इसीलिए हमने गांधी जयंती के दिन में गांधी नीति पर चलकर हमने ये प्रोटेस्ट किया, ताकि ये पूरा जो आवाज़ है, ये जो गूंज है, बंगाल से उठ के पूरे देश में जाए, विदेशों में भी जाए, और लोग ये समझ सके कि जो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो केवल गोदी मीडिया तक ही महदूद है, मन की बात तक ही महदूद है। जो लोग उनके दोस्त हैं जैसे अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जो करोड़ों रुपए लेकर गबन करके भाग गए, और सिर्फ विकास उनका है जो उनके शासन में है, जो राज्य भाजपा का शासन में है सिर्फ विकास उनका है, लेकिन जिस राज्य के जनता ने भाजपा को नकार दिया है उसके साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। इसी के लिए हमने जंतर मंतर में दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट हमारा आज भी हो रहा है, और ये 2024 तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। उन्होंने जितने विक्टिम्स हैं, सबसे पहले तो वो पहुंचे थे जिनका पैसा नहीं मिला है, उनको समर्थन देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम काफ़ी तृणमूल के कर्मी थे जो वहां पर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद 6 बजे ये लोग हमारे 40 जितने भी हमारे 5 मंत्री, 30 सांसद और 5 विक्टिम, ये लोग 40 लोग कृषि भवन गए, ताकि वहाँ पे साध्वी निरंजना जी से, जो केंद्र विकास ग्रामीण मंत्रालय की मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए वो लोग गए। काफ़ी देर तक उन्होंने वेट करवाया, तकरीबन 3 घंटे के बाद, लेकिन वो वहाँ से फरार हो गई, वो बिल्कुल मिली ही नहीं। लेकिन हमारे जो सांसद थे उन्होंने भी हट कर लिया था कि वो मिलकर ही जाएंगे, क्योंकि 4 बजे साध्वी निरंजन जी ऑलरेडी अपोजिशन के जो लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी, उनसे वो मुलाकात कर चुकी थी, लेकिन हमारे सांसदों से मुलाकात करने के लिए उन्होंने, उनके पास चूंकि कोई जवाब नहीं था, बंगाल का पैसा वो लूट चुके हैं, बंगाल के पैसे को उन्होंने रिलीज नहीं किया है, इसका जवाब नहीं देने के लिए वो वहाँ से फरार हो गई। और इसी के लिए हमारे मंत्रियों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय जी ने वहाँ पर धरना किया, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया, इसके लिए उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया, खासकर हमारी जो महिला सांसद हैं महुआ माइत्रा जी, डोला सेन जी, इनके साथ घसीटा गया, इन्हें मारा गया, इन्हें लथेड़ा गया, यहाँ तक कि हमारे जो सांसद शांतुनी सेन हैं उन्हें कॉलर पकड़ के टाना गया। तो इस तरीके का जो दुर्व्यवहार है उसके लिए हम लोग जवाब मांगने के लिए यहाँ पर गवर्नर हाउस पहुँचे हैं, राज्यपाल के पास पहुँचे हैं, ताकि हमारी जो 50 लाख की चिट्ठी जो हम कृषि भवन लेकर गए थे वो उन्होंने लिया नहीं, तो वो चिट्ठी हम राज्यपाल को देना चाहते हैं, ताकि वो चिट्ठी लेकर हमारी जो जनता की जो पुकार है, जनता की जो मांग है, उनका जो 100 दिन का जो पैसा है, आवास योजना का जो पैसा है, वो पैसा केंद्र जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि कई बार उनको बोला गया, चिट्ठी लिखा गया गिरिराज सिंह से, कई बार हमारी मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, यहाँ तक के पिछली साल वो प्रधानमंत्री से मिलने भी गई, इसके बारे में उन्होंने कई बार इस बारे में रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो सुनते नहीं हैं और सुन नहीं रहे। इसीलिए हमने गांधी जयंती के दिन में गांधी नीति पर चलकर हमने ये प्रोटेस्ट किया, ताकि ये पूरा जो आवाज़ है, ये जो गूंज है, बंगाल से उठ के पूरे देश में जाए, विदेशों में भी जाए, और लोग ये समझ सके कि जो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो केवल गोदी मीडिया तक ही महदूद है, मन की बात तक ही महदूद है, 4 कमरों तक महदूद है, लेकिन सबका विकास वो नहीं करते, विकास सिर्फ उनका होता है जो लोग उनके दोस्त हैं जैसे अंबानी, अडानी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जो करोड़ों रुपए लेकर गबन करके भाग गए, और सिर्फ विकास उनका है जो उनके शासन में है, जो राज्य भाजपा का शासन में है सिर्फ विकास उनका है, लेकिन जिस राज्य के जनता ने भाजपा को नकार दिया है उसके साथ वो सौतेला व्यवहार करते हैं। इसी के लिए हमने जंतर मंतर में दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट हमारा आज भी हो रहा है, और ये 2024 तक ये प्रोटेस्ट चलता रहे। लोकेश चटर्जी ने मैडम आज कहा है कि तृणमूल कांग्रेस पिकनिक मनाने गई थी दिल्ली में। देखिए, ये लोग जनता के हित में नहीं है,
पिकनिक मनाने ये जो गरीब जनता जो गई थी वहां पे हजारों हजारों की तादाद में, ट्रेन रद्द किया गया, फ्लाइट रद्द किए गए, बस करके 48-48 घंटा परेशान होके छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये जो मजदूर गए थे, अगर उनको लगता है कि वो पिकनिक मनाने गए थे तो शायद उनकी सोच ही वही है। क्योंकि जिस राज्य में औरतों को वस्त्रहीन करके परेड कराया जाता है, जिस भाजपा के शासन में लोगों को उनके खान पान के लिए मारा जाता है, धर्म के नाम पर मारा जाता है, तो ऐसे लोगों से हम इसी तरीके के विचारधारा की उम्मीद करते हैं। देखिए गवर्नर, हम लोग केंद्रीय सरकार की मानवताहीन नीतियों के खिलाफ आज गवर्नर हाउस को हम लोगों ने यहाँ पे घेराव किया है। जब भी हम लोगों ने अनाउंस किया था तब गवर्नर साहब यहीं पर थे, वो सुनने के बाद ही वो बंगाल छोड़कर भाग गए हैं। तो ये तो पूरी तरह से दर्शाता है कि मोदी जी की और केंद्रीय सरकार की जो नीति है वो बंगाल के लोगों को किस तरह से डिप्राइव करना है, बंगाल के लोगों को किस तरह से मारना है, बंगाल के लोगों को किस तरह से परेशान होना है। हालांकि हम लोगों ने 21 जुलाई को अनाउंस किया था कि हम लोग 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर धरना देंगे, उसके बाद हम लोगों ने रामलीला ग्राउंड में मीटिंग करने की परमिशन मांगी थी, वो भी उन लोगों ने नहीं दी। हम क्यों गए थे उनके पास? हम तो उन्हें यह बताने गए थे कि हमारा 1,15,000 करोड़ जो आपके पास बकाया है, जिसमें 15,000 करोड़ हमारे मनरेगा का लोगों का और जो आवास योजना के हमारे जो पैसे हैं वो हमें दे दीजिए, ताकि जो 100 दिन के लोगों ने जो काम किया है हम उनको पेमेंट अदा कर सकें। वो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनके पास रहने का घर नहीं है, बारिश हो रही है, मानसून आया हुआ है, कई घर गिर गए हैं, कई लोग मर गए हैं। कम से कम आप वो 15,000 करोड़ रुपये तो रिलीज कर दीजिए, मगर उन्हें बंगाल के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी मन की बात कहने की हमदर्दी है और कुछ नहीं है। हम लोग आज इसीलिए गवर्नर के पास आए हैं कि हम आपको अपनी 50 लाख प्रतियां देंगे कि आप अपने जरिए केंद्रीय सरकार को पहुंचाएं, ताकि मोदी जी शायद हमारी बात नहीं आपकी बात माने, क्योंकि आप भी बंगाल के हित की बात कहीं कभी ना कभी करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो दिखावा है या सच में आप बात कर रहे हैं, और अगर सच में आप बात कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ रहना चाहिए था, और जो हम अपनी 50 लाख प्रतियां आपको दे रहे थे उनको आपको अपने गवर्नर हाउस से मोदी जी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए था, लेकिन हमें अफसोस है कि गवर्नर साहब बंगाल छोड़कर भाग चुके हैं। बीजेपी के लीडर है समीप भट्टाचार्य, उन्होंने कहा आज का जो रैली, देखिए उनकी अपनी जबान है, बोलने से तो हो नहींगा, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन फ्लॉप नहीं, उनको कम से कम दूरबीन से देखना चाहिए। अगर आंख उनका सही नहीं है तो पावर लगा ले, और कोई बड़ी कंपनी का, रेबन कंपनी का जो है ना, वो गोगल्स लगा कर पावर लगा करके वो देखे। आज वहाँ हमारा वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, जो मिचिल करीब लाख नहीं, कम से कम 5 लाख जो है यहाँ पर लोग हैं, इसलिए कि यहाँ हमारा ज्वार है, अभी शेख बनर्जी का इसको ज्वार बोलते हैं। आज हम लोग जो 5 तारीख जो है, आज गवर्नर का जो मतलब हमारा गवर्नर हाउस को जो घेराव किया गया है, तो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में, उनके आदेश में युवा नेता जो हमारे वेस्ट बंगाल के, हमारे उभरते हुए समझ लिए हिंदुस्तान के एक नया समझ लिए नौजवान लीडर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर राजभवन का घेराव करने आए हैं, और उन्होंने जो अपने चश्मा से देखे हैं इस तरह का, ये बीजेपी का सिर्फ वाणी है इस तरह का वो बोलते हैं, इसलिए यहाँ कम से कम 5 लाख आदमी देखेंगे आप वहाँ से लेकर के हमारे वहाँ रविंद्र सदन से लेकर के यहाँ गवर्नर हाउस तक 5 लाख का यहाँ क्राउड है। लोगों में आपका लोकप्रियता खत्म हो गया है, जिसके लिए ये रैली किया जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा। देखिए शुभेंदु अधिकारी का तो टाइम टाइम फिस है, वो किसी तरह से मीडिया में बने रहने का इस तरह का वो बातें करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी जमीनी सत्ता जो है नीचे से निकल गई है, और बीजेपी समझ लिए ये ऐसा हो गया पार्टी के, समझ लिए कि उन्होंने बहुत यहाँ 2021 में जनता ने उनको नकार दिया था, 2021 में नकार दिया था, तो वो अभी सोच रहे हैं कि किसी सूरत से हम जमीन यहाँ पैर पसारेंगे। लेकिन यहाँ की जनता को मैं सैल्यूट करता हूँ, यहाँ की जनता को मैं सलाम करता हूँ, कि बंगाल की जनता जो है पहले सोचती है फिर अपनी उंगली जो है वो दबाते हैं। तो यहाँ किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जैसे जो दंगाई पार्टी है, जो झूठी पार्टी है, जो फरेबी पार्टी है, जो हमारी आज 100 दिन का पैसा टोटल सब मिला के अगर लिया जाएगा 1,15,000 करोड़ रुपया हमारे राज्य का, हमारा बंगाल का, हमारा गरीबों का, हमारा मजदूर लोगों का पैसा रोक के रखे हुए है, तो उसलिए हमारी ममता बनर्जी के आवाज में, अभिषेक बनर्जी की आवाज में हम लोग अपना हक, देखिए मैं बता दूं कि हम लोग बंगाल
जो हमारी धरती है ये एक ऐसी धरती जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। उन्होंने कहा था कि लोगों से, देश के लोगों से कहा था कि तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। तो यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री इसी धरती में ममता बनर्जी पैदा हुई है, इसी धरती पर अभिषेक बनर्जी पैदा हुए हैं, तो वो हक जो है लेना जानते हैं कि हमें किस तरह से उन्होंने दिखला दिया 2 तारीख को गांधी जी के वहाँ राजघाट में और 3 तारीख को जंतर मंतर में दिखला दिया कि यह है हमारा क्रेज युवा नेता श्री अभिषेक बनर्जी का। हम समझते हैं अगर हमारे पैसा को अगर नहीं दिया गया तो हमारे युवा नेता कहा कि 2 महीना के बाद में फिर दिल्ली को घिराव करेंगे और इस बार 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं जाएगा। हम समझते हैं आने वाले दिनों में हम लोग 2 करोड़ लोगों को पूरा दिल्ली को घेर के लेंगे और मोदी सरकार एक भ्रष्ट सरकार, मोदी सरकार एक चोर लुटी पार्टी का सरकार, मोदी एक ऐसा है न गरीब का है न मजदूर का है न महिला का है न किसी का है, ऐसे सरकार को दिल्ली में बैठने का कोई हक नहीं है। और 2024 में हम लोग उनकी सत्ता में परिवर्तन कर करके ये वादा करते हैं। हालात बेंगलोर और आपके तमाम व्यूअर्स को हम चैनल के माध्यम से कहते हैं कि यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो सेकुलर है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन सब को लेकर चलती है, हमारा युवा नेता श्री अभिषेक बनर्जी के बुलावे पे आज राजभवन में 5 लाख आदमी यहाँ पर घेरा हुआ है, तो ये सोच लेना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी जो है जनार्दन वो हमारा जनता है, इसलिए जनता आपको 2024 में जड़ से उखाड़ फेंकेगी।